आज हम ओल्ड बेडशीट का करेंगे रीयूज़। हमारे पास ओल्ड बेडशीट बहुत सारी पड़ी होती हैं, जिसका हम अगर कुछ हटके यूज़ करें तो घर में बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। वेलकम बैक टू मैजिकल है, चलिए आज न्यू वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नॉन वन लिया, फोम लिया और बेडशीट लिया है और क्विल्ट कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास नॉन वन नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे बुकरम यूज़ कर सकती हैं। 18x12 इंच का जो पार्ट था उसे हमने बैग का शेप दे दिया है और हम यहाँ पे 18x7 इंच का यह नीचे का बॉटम पार्ट रेडी कर रहे हैं। उसके बाद 9x7 इंच का साइड का पार्ट रेडी करेंगे। तो देखिए, नीचे का पार्ट भी रेडी हो गया, साइड के 9x7 इंच के पार्ट्स रेडी हुए और अब हम 22x7 इंच का पार्ट ऊपर के लिए ले रहे हैं। तो अब हम 8x12 इंच का एक छोटा सा पार्ट लेंगे और ये 22x7 इंच का पार्ट हमने लिया है। तो जो जो पार्ट हमने लिए हैं उसके नाप मैंने स्क्रीन पे रख दिए हैं और 22 इंच के मैंने बेल्ट ले लिए। अब देखिए, ये जो पार्ट है हमने लिया है उसके साथ हम बेल्ट को अटैच करेंगे। देखिए, मेन पार्ट है बड़ा सा, तो ऊपर 3 या 4 फिंगर की जगह छोड़िए। अब हम यहाँ पे 22 इंच के बेल्ट हैं और इसे हमने यहाँ पे ऐसे दोनों पार्ट्स में रेडी कर लिए हैं। 18x12 इंच के मेन पार्ट है हमारे, तो दो पार्ट्स रेडी हो गए। उसके बाद हमने 12x9 इंच के दो पार्ट लिए हैं, जिसे ऐसे कॉर्नर से फोल्ड कीजिए और यहाँ पे स्टिच करना है। देखिए कितने इंचेस करना है, तो आपको 1 या 2 इंच पे कर सकती हैं और इसी कॉर्नर को फोल्ड करके दोनों कॉर्नर से स्टिच करें और कट कर लीजिए। तो देखिए, कुछ इस तरीके से शेप आ जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर से ऐसे फोल्ड करना है, यहाँ से आपको फोल्ड करते जाना है और फिर हम यहाँ पे प्लेट लेंगे इस तरीके से। देखिए, 3 प्लेट आपको लेनी है। तो दोनों पार्ट्स में ऐसे प्लेट्स लेने के बाद 18 इंच की जिप लीजिए और यहाँ पे ऐसे अटैच कर लीजिए। देखिए, अगर आपको समझना है तो सारे पार्ट्स की कटिंग का नाप स्क्रीन पे दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही, तो आप दोबारा से देख सकते हैं। अब हमने पॉकेट को यहाँ पे अटैच कर लिया, उसके ऊपर हमने जो बेल्ट लिया था वो भी ले लिया, उसे अटैच किया। अगर आपके पास रेडीमेड बेल्ट नहीं है फ्रेंड्स, तो आप सिंपल कपड़ा यूज़ कर सकती हैं। अब हम दोनों साइड से रनर डालेंगे। देखिए, दोनों साइड से रनर डालने के बाद आपको ये मेन पार्ट है उसके ऊपर इसे रखना है और इसे स्टिच करना है। देखिए, ये बैग जो है मैंने बहुत होलसेल में मार्केट में बेचा है 250 में, तो बहुत ही अच्छा है, यूज़फुल है, लोगों को बहुत ही पसंद आया था, तो आप भी ऐसे बेच सकते हो। तो कम लागत में इसमें ज़्यादा मुनाफा मिलता है। पूरे राउंड में हमने स्टिच कर लिया और अगर जिप एक्स्ट्रा है तो वो आप कट कर लीजिएगा। और क्या करना है, ऊपर की और जो जिप की जगह है वहाँ पे एक और बेल्ट अटैच करेंगे। और मैं फिर से आपको बता दूँ, अगर बेल्ट नहीं है तो कपड़ा यूज़ कीजिए और सेंटर में स्टिच कर। अब हम 18x7 इंच का पार्ट, 9x7 इंच का पार्ट लेंगे, इसे दोनों साइड से जोड़ लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, ज़्यादा कपड़ा है तो आप पूरा बॉर्डर भी कट कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे जोड़ लगाया है 9x7 इंच का। अब जो जोड़ है वो कॉर्नर पे आएगा, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, थोड़ा सा खुला छोड़ना है। और देखिए, जोड़ हमने पूरा कॉर्नर पे सेट होता है वैसे ही रखा है और ऐसे स्टिच कर लिया, दोनों साइड से खुला है। अब बारी आती है ऊपर के पार्ट की, नाप मैंने पहले ही बता दिया है। अब सेंटर से ऊपर के पार्ट का कट कीजिए सेंट और इसमें जेब अटैच कीजिए। देखिए, ये जो पार्ट है ना, आप ऊपर का जो बैक का जो बच्चा है वहाँ पे नाप लेके कर सकते हैं। अब साइड से हम इसे स्टिच करेंगे ऐसे, फिर प्रेस स्टिच करेंगे। प्रेस स्टिच करने के बाद आपको दूसरा पार्ट लेना है और उसे भी अटैच। दोनों साइड से मैंने रनर रखा है जिससे कस्टमर को बहुत ही अच्छा लगे। और अब हम नीचे का बॉर्डर भी अटैच करेंगे, ऊपर का बॉर्डर भी अटैच करेंगे। तो ऐसे आप बिजनेस कर सकती हैं और हमें हमेशा ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर को कैसे अच्छा लगेगा, वो कैसे पसंद कर सकता है। तो यहाँ से आप इस तरीके से पूरे राउंड में स्टिच करते जाइए, नीचे का बॉर्डर के साथ में ऊपर का बॉर्डर। और यहाँ पे देखिए, एक्स्ट्रा है तो आप ऐसे नाप लेके कट कर लीजिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा तो दिक्कत नहीं आएगी, कम पड़ेगा तो जोड़ नहीं लगा सकते। अब दूसरा साइड का बॉर्डर भी हमने अटैच किया, प्रेस स्टिच किया और फिर हमने इसे पैक कर लिया। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे और इसके ऊपर इसे रखेंगे, कॉर्नर से पकड़िएगा
और पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है। अब आप चाहें तो कवर सिलाई कर सकती हैं, अगर नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। बहुत ही बड़ा सा हमारा प्यारा सा सुंदर सा ट्रैवल बैग बनकर रेडी हो गया है, बिल्कुल 10 मिनट में बनकर रेडी हो गया है। क्योंकि क्विल्ट का अलग से आप टाइम ले लीजिएगा, मैं पूरा 1 मीटर कपड़ा ही क्विल्ट कर लेती हूँ तो वो बहुत टाइम नहीं लेता है। तो ये देखिए यहाँ पर बड़ा सा पॉकेट है, बहुत सारा पेस है आप देख सकते हो, और आगे 2 पॉकेट है, तो ये ट्रैवलिंग में बहुत ही काम आने वाला है। तो कैसा लगा जरूर से बताइएगा। मिलते हैं ऐसे आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत, वंदे मातरम।